तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। और आज की इस क्लास में एक ऐसा लेसन मैं आपको देने जा रहा हूं जिससे आपकी फिंगर एक्सरसाइज भी मजबूत होगी, वोकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको स्वर ज्ञान भी होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेसन। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो हम शुद्ध स्वरों के साथ साथ कोमल स्वरों का भी प्रयोग करेंगे। जो स्वर हम प्रयोग में लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सी सारा पहली काली से ये होगा हमारा सा, कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। तो दोस्तों इसमें हम शुद्ध स्वरों के साथ साथ चार कोमल स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं, रे, गा, धा और नी। और भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार ये थाट भैरवी के स्वर है, तो थाट भैरवी के स्वरों पे हम रियाज करेंगे। रियाज आपको कैसे करना है इसके लिए हम एक बेसिक सरगम ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सरगम बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि सरगम के आधार पे आपको कैसे फिंगर एक्सरसाइज करना है, वोकल एक्सरसाइज के लिए कैसे रियाज करना है और स्वर ज्ञान के लिए किस तरह से रियाज करना है। तो जो बेसिक सरगम है वो कुछ इस तरह से है। रे से शुरुआत होती है, रे सा, फिर गा रे, मा गा, पा मा, धा पा, नी धा, सा नी, रे सा। इस तरह से इसका आरोह कंप्लीट होता है। अवरोह में अवरोह की शुरुआत नी से होती है, नी सा, धा नी, पा धा, मा पा, गा मा, रे गा, सा रे नी सा। ये हमारी बेसिक सरगम है। सबसे पहले आपको फिंगर एक्सरसाइज कैसे करना है स्लो स्पीड में करें। सबसे पहले रे सा, गा रे, मा गा, पा मा, धा पा, नी धा, सा नी, रे सा। इस तरह से आरोह करना है। अवरोह में नी सा, धा नी, पा धा, मा पा, गा मा, रे गा, सा रे नी सा। इस तरह से आपको स्लो स्पीड में फिंगर एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में स्वरों के साथ गाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज करें। किस तरह से करना है, उसके बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ाकर करें। फिंगर एक्सरसाइज करना है मैंने आपको दो से चार बार ही बताया है। आपको कम से कम 100 से 150 राउंड करना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आपको रियाज करना है। इसके बाद में आप वोकल एक्सरसाइज के लिए रियाज करेंगे, वो आपको किस तरह से करना है। आपको रे के ऊपर ही सा गाना है, सा रे सा गाएंगे तो रे के ऊपर आपको सा गाना है। उसके बाद में जब रे गाएंगे तो गा के ऊपर गाना है, यानी जो अगला नोट है उसके ऊपर हमें गुनगुनाना है। तो इस तरह से आपको वोकल एक्सरसाइज करना है।
मैंने ये भी आपको एक से दो बार ही बताया है, कम से कम आप इसको भी 50 से 60 बार करें। उसके बाद में स्वरज्ञान के लिए आपको किस तरह से रियाज करना है, स्वरज्ञान के लिए आप इन स्वरों के साथ में कुछ ना कुछ गुनगुनाएं, जैसे राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, या जो आपका दिल करे। किस तरह से करना है? ये रियाज जरूर करें। मैंने आपको भैरवी थाट में ये रियाज बताया है, आपको कम से कम 6 थाट में ये रियाज करना है। बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी और भैरवी, अगर इन 6 थाटों में आप रियाज कर लेते हो तो आपके सभी 12 स्वरों का रियाज कंप्लीट हो जाता है और इन 12 स्वरों से बाहर दुनिया का कोई भी गाना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हारमोनियम सीखने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि हारमोनियम सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप समय बिताएंगे, उतना ही जल्दी आप हारमोनियम सीख पाएंगे। कैसा लगा आज का ये लेसन, कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।